सुमेर सागर पोखरे पर हुए अवैध कब्जे पर रविवार को भी जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। इस मौके पर एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित तहसील सदर की टीम मौजूद रही। इस दौरान पोखरे की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए गोदाम और मैरिज हॉल को ध्वस्त किया गया, जिसके संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि गोरखपुर पहल के तहत सुमेर सागर पोखरे पर हुए अवैध कब्जे को हटाया गया है। इसके साथ तहसील सदर क्षेत्र में भू माफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जे को भी हटाया जाएगा। इसके लिए जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। इसी के साथ भू माफियाओं को भी चिन्हित किया गया है, जो सरकारी जमीन को फर्जी कागज तैयार करके बेच देते हैं। एसडीएम सदर ने कहा कि सुमेर सागर पोखरे को असली स्वरूप दिया जाएगा, जिससे महानगर को जल भराव की स्थिति से छुटकारा दिलाया जा सके। गौरतलब है कि सुमेर सागर ताल के कई एकड़ से अधिक भूमि को भू माफियाओं द्वारा मिट्टी पाट कर मोटी रकम लेते हुए बेच दिया गया था। अब जिला प्रशासन हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अवैध तरीके से खरीदे गए प्लाटों को खाली करा रही है। कुछ प्लाट खरीदारों को आपत्ति है कि हम काश्तकारों से अपने प्लाटों को आवास हेतु रजिस्ट्री कराए हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों का मूल खेवटदार से रजिस्ट्री है उनसे वार्ता किया जाएगा। जो लोग भू माफियाओं के द्वारा अपने प्लाटों की रजिस्ट्री कराए हैं वो अवैध तरीके से रजिस्ट्री कराए हैं, जो गैर कानूनी है। इसलिए आप लोग अपने अपने प्लाटों को खाली कर दें और कानूनी कार्रवाई से बचें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से टेलीफोन पर बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। नहीं, मैं बता रहा हूँ केवल आपसे मेरी बात, केवल जो आपके इलेक्शन वाला है, उन्होंने क्लीनिंग की है तो एक पत्ती के बारे में पता, पत्ती से जज कर सकते हैं क्या है वेस्टलैंड और नॉर्थ। जो आ रही है वो 10 उनचास में आ रही है।
के रूप में खड़े हैं। बिल्कुल हट जाइए यहाँ से, काम होने दीजिए, सरकारी काम में बाधा ना बनिए। आप सभी लोग यहाँ से दूर चले जाइए, यहाँ पे खड़े मत रहिए। तोड़े तुड़ाई का काम चल रहा है, आपके ऊपर गिर सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, आप यहाँ पे चोटिल हो सकते हैं। आप लोग यहाँ से दूर हट जाइए, कोई भी यहाँ पे करीब न रहे। कच्चा घर तो अपने आप बताया, अब देखो ना ये अंदर अंदर ये यहाँ पे जो भी स्टाफ लोग लगे हैं, अपनी अपनी बाइकें किनारे कर दीजिए, अपनी बाइकें किनारे कर दीजिए। जो भी स्टाफ लोग यहाँ पे लगे हैं, सभी लोग अपनी बाइक किनारे कर दीजिए। ताल सुमित सागर के दूसरे दिन हमने जितने भी स्थायी और अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण थे उनको तोड़ा गया है। एक हमने गोडाउन है उसको तोड़ा है और चार पांच दुकानें थी और गोदाम थे और उनको तोड़ा गया है। इसके साथ साथ वहां पे आवासीय परिसर में रह रहे व्यक्तियों को नोटिस दिया गया है। 4 महीने से अधिक टाइम हो चुका है, उन्होंने अभी तक खाली नहीं किया है, तो उनको हमने 7 दिन का टाइम दिया है कि आप अपना अन्याय कहीं करा लें, क्योंकि ताल के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट माननीय हाई कोर्ट के निर्णय है और शहर के बीचों बीच में ताल है और शहर की जो जल भराव की समस्या है, खासकर बारिश के दिनों में बहुत ही विकट समस्या है। तो गोरखपुर वासियों को सबसे पहले जो इस समस्या से परमानेंट रूप से निजात मिलेगी अगर इस ताल को हम वास्तविक रूप में लेके आएंगे। तो हमारा उद्देश्य यह है कि इस ताल का जो अस्तित्व था उसको वापस से लेके आए, इसको ताल बनाया जाए ताकि शहर के बीचों बीच में हो रहे इस अतिक्रमण को रोक कर जल भराव की समस्या का स्थायी रूप से निजात मिले। और इस ये हमारा जो अभियान है गोरखपुर पहल के तहत जो हमने स्टार्ट किया है, जितनी भी हमारी सरकारी भूमि है उन सब पे अतिक्रमण को मुक्त करा रहे हैं। ये अभियान अब बदस्तूर चलता रहेगा। जितनी भी गवर्नमेंट लैंड है जिसपे इंक्रोचमेंट कई लोगों ने कर रखा है उसको सबको आइडेंटिफाई करके सबको हम हटाएंगे एक एक करके। गोरखपुर पहल के तहत अभी तक हमने जब से हम इसे स्टार्ट हमने किया है अभियान, अब तक लगभग 400 एकड़ से ऊपर की भूमि हम मुक्त करा चुके हैं। इसी क्रम में यह अभियान चलता रहेगा और भी हमने कुछ भूमियां आइडेंटिफाई की हैं शहर में बड़ी बड़ी, उनको भी हम मुक्त कराएंगे। तो ताल सुमित सागर पे अभियान हमारा भी कल भी चलेगा और जब तक पूरा इसको उस रूप में नहीं दिया जाता तब तक इस पर चलता रहेगा। डीएम सर के निर्देशन में इस अभियान को तहसील सदर अपना अंजाम दे रही है।